तो आज है संडे, मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। क्या करे, संडे होता है, जोश अलग लेवल के होता है उस दिन तो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक बार फिर से संडे घूम के वापस आ चुका है। ऑफ कोर्स Q&A वाली वीडियो आनी थी, वैसे आजकल कंटेंट की कमी चल रही है, लेकिन चलो वो बातें अलग है। आज संडे, आज Q&A रियली सॉरी मैं जिनके क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया। अब ज्यादा बकबक करते नहीं और सीधा शुरू करते आज की संडे वाली Q&A वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है इस बार ऋतिक भाई की तरफ से आया सामने, व्हाट इज फ्यूचर प्लान्स फॉर बॉबी लैशली आफ्टर रेसलमेनिया बैकलैश। देखो जहां तक मुझे लगता है रेसलमेनिया बैकलैश में लैशली वर्सेस ओमास का मैच होगा आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। एक आम रेसलिंग मैच इन दोनों के बीच में होने वाला है, लेकिन फाइनली दोनों का मैच ऑफिशियल होगा जहां तक मुझे लगता है। जब बॉबी लैशली सिनेरियो से बाहर आएंगे तब जो आने वाला मेरे हिसाब से हेलेन एस एल डब्ल्यूडब्ल्यू का शो, तो वहां पर भी शायद ओमास के साथ में जो फ्यूड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और जब मनी इन द बैंक आएगा ना, तो जो MITV लैडर मैचेस क्वालिफाइंग मैचेस वगैरह होते हैं उस सीन के अंदर हमें बॉबी लैशली एंटर होते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल कुछ महीने लैशली का कुछ इस तरीके से ही चलने वाला है सीन कि भाई ओमास के साथ में इनका फ्यूड चलने वाला है। अब देखिए जब इन दोनों का रेसलमेनिया बैकलैश में मैच होता है वहां ओमास की विक्ट्री होती है या फिर लैशली की, अगर ये जो चीज काफी मैटर करती है इन दोनों का फ्यूड और आगे जाने वाला है या फिर नहीं। बाय द वे जो अगला क्वेश्चन है इस बार अनीश गेमिंग की तरफ से आया सामने, क्या ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक में रिटर्न करेंगे। अब देखो मनी इन द बैंक के शो के लिए लेसनर एडवर्टाइज है और जहां तक मुझे लगता है 101% लेसनर वहां पर होंगे। अब चाहे उनके सरप्राइज रिटर्न हो वहां पर हो गए या फिर लेसनर ऑलरेडी भैया मैच वगैरह उनका अनाउंस कर दिया जाए, चाहे वो MITV लैडर मैच में आ जाए, लेकिन मनी इन द बैंक 2022 के लिए जहां तक मुझे लगता है अभी फिलहाल लेसनर आएंगे, क्योंकि भाई इस साल जो मनी इन द बैंक का शो है वो एक बड़ी जगह पर होने वाला है। हमने देखा जो टिकट सेलिंग है वो ऑलरेडी 16,000 के आसपास आई गेस हो चुकी है, तो एक काफी मेजर नंबर है जिसे WWE सक्सेसफुल बनाना चाहेगी, तो उसके लिए आपको लेसनर की जरूरत पड़ेगी। तो शायद जो लेसनर है आपको फॉर श्योर इस साल के MITV प्रीमियम लाइव इवेंट का जो पार्ट है वो होते हुए नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन इस बार राजेश भाई की तरफ से है सामने, MITV का विनर कौन हो सकता है। वेल देखा जाए तो भाई इस साल WWE के पास काफी सारी चॉइसेस हैं। रिसेंट टाइम में रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं, ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं प्राइस फाइटर केविन ओवंस के बारे में। सैमी ज़ेन को अगर एक बार फिर से मोमेंटम देना तो क्यों ना मनी इन द बैंक दे दिया जाए। फिन बैलर भाई अंडररेटेड सुपरस्टार, अगर इन्हें MITV मिल जाएगा तो मतलब क्या बात हो जाएगी, फिर चैंपियन बनना तो कंफर्म है। और साथ ही में एक और बड़ा नाम है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। अगर कोडी रोड्स को बनाना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, रोमन को सीधा वे में नहीं हराना है, तो कोडी रोड्स भी एक मेथड हो सकते हैं जिससे भाई वो MITV जीते और फिर बने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। सेथ फ्रीकिंग रॉलेस ऑफ कोर्स एक लिस्ट में हमेशा नाम होगा, तो भाई ये वो कुछ नाम है जो कि मुझे लगता है इस साल MITV के विनर बन पाएंगे। और हाँ भाई मैं लेसनर को कैसे भूल गया, सोचो लेसनर आते हैं अचानक से MITV जीते फिर ब्रॉक के ऊपर रोमन के ऊपर कैश इन करते हैं और बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अगला क्वेश्चन इस बार रेटेड गेमिंग की तरफ से आए सामने, एज अपोनेंट आफ्टर AJ स्टाइल्स। देखो अभी फिलहाल एज हील है, एज का फैक्शन चल रहा भैया अच्छा खासा, तो अभी फिलहाल AJ स्टाइल्स के साथ में मेरे हिसाब से उनका फ्यूड चलेगा रेसलमेनिया बैकलैश तक, और वहां पर भाई जिस तरीके से रिजल्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में फ्यूड और स्ट्रेच होगा या फिर नहीं। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि जो इन दोनों की राइवलरी है वो हेल इन अ सेल में एंड होती हुई नजर आएगी, जो कि WWE का इसके बाद वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है। अगर मैं एज के अपोनेंट के बारे में बात करूं तो एज सच अभी फिलहाल मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कोई टॉप बेबी फेस अभी फिलहाल कोडी रोड्स है जहां तक मुझे लगता है, और तो भाई ऐसे मुझे दूर दूर तक कोई लगता नहीं है। AJ स्टाइल्स के साथ फ्यूड ऑलरेडी चल रहा है, देखते क्या होता है आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल एज के अपोनेंट का चांस कोडी रोड्स भी हो सकता है अगर WWE उन्हें एक नॉन टाइटल फ्यूड देना चाहिए जब सेट के साथ उनका फ्यूड ओवर होने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है इस बार अजय कुमार की तरफ से आए सामने, भाई का US चैंपियन और IC चैंपियनशिप भी यूनिफाइड हो सकती है। अब देखो चांस है WWE लगातार जब टाइटल यूनिफिकेशन कर रही है तो हो सकता है WWE अपनी मिड कार्ड चैंपियनशिप को भी एक करती हुई नजर आए। जो भैया बंदा विनर होगा वो बन जाएगा यूनिफाइड अपना चैंपियन, लेकिन शायद WWE ये करे तो उसका थोड़ा कम चांस है, क्योंकि भैया मिड कार्ड रेसलर काफी ज्यादा है और चैंपियनशिप सिर्फ दो ही है शायद जो WWE सिर्फ प्रेफर करेगी इन दोनों टाइटल्स को अलग ही रखा जाए। चांस बनता है, देखो भाई विंस मैकमैन का क्या मूड बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइटल्स को मिड कार्ड वाले तो यूनिफाई एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस बार भावेश भाई की तरफ से आए सामने, भाई के रिडल वर्सेस रोमन रेंज हो सकता है MITV के अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से पहले रोमन वर्सेस रैंडी होने का ज्यादा चांस है, जिस तरीके से सीन चल रहा है हमने देखा भाई जो स्मैकडाउन की टेपिंग वाली स्पॉइलर वीडियो है सामने, वहां पर ड्रू मैकइंटायर आरके ब्रो एक तरफ थे और रोमन और जो उसोस हैं वो एक तरफ थे, तो कहीं ना कहीं जो हिंट है इस तरफ मिल रहा है कि अगर शायद ड्रू मैकइंटायर डिथ्रोन नहीं कर पाते रोमन को तो रैंडी ऑर्टन लाइन में अगले हो सकते हैं, जो कि हमें फेस करते हुए नजर आए।
रिडल वर्सेस रोमन फॉर श्योर एक बेहतरीन मैच होने वाला है। देखते हैं इन फ्यूचर होता है या फिर नहीं, इन फ्यूचर होगा लेकिन मनी इन द बैंक के अंदर मुझे ऐसा लगता है इसका काफी कम चांस है। अगला क्वेश्चन इस बार संचित गिल की तरफ से है सामने, भैया फिन बैलर का क्या होगा WWE में, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो ऑलरेडी इसको लेकर मैंने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाली थी, भाई क्या रीजन है जो WWE है वो फिन बैलर को पुश वगैरह नहीं दे रही है और चांस बनता है कि वो रिलीज भी हो सकता है WWE के अगले बजट कट के अंदर। देखो भाई क्या आता है, लेकिन मेरे हिसाब से रेसलमेना बैकलैश की जो बुकिंग होगी उस पर डिपेंड करता है। जो फिन बैलर वो एज स्टार्स के साथ जाते फ्यूड में उनकी मदद करने के लिए तो सीन सही है। अगर ऐसा नहीं होता है, फिन बैलर टेलीविजन से गायब होते हैं, तो शायद थोड़ी सोचने वाली बात है कि बैलर का फ्यूचर WWE में अब थोड़ा और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है इस बार सुनैना राजपूत की तरफ से है सामने, रोहन ब्रो ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना MITV कंफर्म। तो देखो मैंने बताया अपनी रिसेंटली एक अपडेट वाली वीडियो के अंदर जिन लोगों ने चेकआउट की होगी कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वो ताना मारते जॉन सीना को, मैं तेरे से बेहतरीन US चैंपियन हूं। तो मुझे नहीं पता क्या ये हिंट है कि WWE करने वाली सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच, जॉन सीना की जो रिटर्न है वो ऑलरेडी रूमर्ड है कि जॉन सीना जून के लास्ट में एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आएंगे, जुलाई के अंदर होने वाला है MITV, तो चांस बनता है कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सीना हो जाए। लेकिन शायद MITV से इसका ज्यादा चांस मुझे समर स्लैम के लिए लगता है कि WWE ऑस्टिन थ्योरी को बड़ा बुक कर रही है, तो शायद MITV नहीं लेकिन समर स्लैम के अंदर इस चीज का ज्यादा चांस है कि सीना जब वापस आएंगे वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ शायद फ्यूड करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज का जो हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो इस बार गेमिंग एज आई की तरफ से आए सामने, ब्रो प्लीज पिक माय क्वेश्चन, क्या रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो सकता है समर स्लैम 2022 में, बाय द वे लव फ्रॉम बंगाल। तो भाई थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन अब बात करें रैंडी वर्सेस रोमन के मैच के बारे में, तो मेरे हिसाब से अचानक से फैंस के मन में इस मैच की अलग लेवल की हाइप बन गई है। ऑर्टन वर्सेस रोमन, ट्राइबल चीफ वर्सेस द वाइपर, सुन के भाई गूज बम्स आ जाते हैं। अगर WWE मैच करवाएगी तो कितना कमाल का मैच होने वाला है, लेजेंड किलर वर्सेस द ट्राइबल चीफ, जो कि लेजेंड किलर एक तरह के बनी चुके हैं भाई, डैनियल ब्रायन वगैरह सभी को तो इन लोगों ने WWE से निकाल ही दिया है। देखो समर स्लैम 2022 के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा तो भी फिलहाल WWE के पास रोमन के लिए कोई अपोनेंट है। अगर कोडी रोड्स होते तो वो बात अलग होगी, लेकिन अगर कोडी नहीं होते मेरे हिसाब से रोमन वर्सेस ऑर्टन होने का फॉर श्योर चांस है। ऑर्टन वो सुपरस्टार है जो कि भाई WWE के अंदर एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, पॉपुलर हैं, सारी चीजें उनके पास में, और रोमन वर्सेस ऑर्टन जहां तक मुझे लगता है एक मनी मेकिंग मैच होगा, दोनों ब्रांड्स की व्यूअरशिप के अंदर भी कहीं ना कहीं उछाल लाएगा, फैंस और इंटरेस्टेड होंगे, देखते हैं भाई क्या होता है समर स्लैम के अंदर। लेकिन अगर रोमन वर्सेस कोडी समर स्लैम में नहीं होता है तो फॉर श्योर रोमन वर्सेस ऑर्टन होने का ज्यादातर मुझे चांस लगता है कि ये मैच वहां पर फाइनली हो सकता है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी और ये था आज का संडे का एक लंबा चौड़ा के हुए ने। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।